بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت صدق الله مولانا العظيم بارہ ذی الحجہ 1443 ہجری हुरमत वाले महीनों विचों ये आखिरी महीना है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सीरत मुबारका और आपदा ताबिंदा और दरख्शिंदा किरदार गुज़श्ता खुतबात जुमा के अंदर बयान किया है और वह सिलसिला मुबारका चल रहा है कि हर किस्म की कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की थी। तस्लीम और रज़ा दा वफा शियारी दा और इताअत गुजारी दा सफ़र अल्लाह ताला नूं इतना पसंद आया कि आपदा मसलक आपदा नज़रिया नजरिया है तौहीद नजरिया है दीनिया अपने महबूब पैगंबर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इस इब्राहिमी तरीके नो फर्ज करार दिता और इसकी इतबा करने दी अल्लाह ने बदरिया है वही ताकीद फरमाई। तो पहले फरमाया कुल सदक अल्लाह कह दो अल्लाह ने सच आख्या फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा और इत्तबा करो पैरवी करो दीन इब्राहीम दी मिल्लत इब्राहीमी दी अल्लाह की रजा की खातर सब कुछ कुर्बान कर देता है। वतन की कुर्बानी बरादरी माँ बाप भैन भाइयों की कुर्बानी अपनी जान की कुर्बानी फिर अपने लखते जिगर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बुढ़ापे की उम्र अल्लाह ने खतने का हुक्म इरशाद फरमाया तो आपने बुढ़ापे के अंदर अपना खतना आप किया
अस्सी साल की उम्र अव्वल उन्नास इख्तातन औलादे आदम सब तो पहला खतना सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। अस्सी साल की उम्र सिर्फ अपना ही नहीं अपने दोनों बेटे सैयद इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना किया है जिन्हां की उम्र उस वक्त 13 साल है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का खतना किया है उस वक्त उन्होंने उम्र 14 दिन थी। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ऐ इब्राहीम हूँ मेरा घर तामीर करो। क्योंकि उस दी बुनियादा मिट चुकी ने सब तो पहले काबतुल्ला फरिश्तिया ने तामीर किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुबूत यानी जमीन ते उतरना ब्रहना करके बेलिबास करके अल्लाह ने जन्नत चो इस कैद खाने के अंदर इस जिंदान के अंदर उतार दिता है एक गलती की वजह तो कि शजरे ममनुआ का फल खाता है। साढ़े सामने कितने अशजारे ममनुआ ने जिन्हें तो अल्लाह ने रोकया है असी रुकते भी नहीं और अपने आप को फिर मुसलमान और जन्नत का हकदार बल्कि कई तो ठेकेदार जन्नत का समझते दूसरों से तकफीर के फतवे लगाना फलां काफिर फलां काफिर फलां जहन्नमी फलां काफिर और अपने आप को समझते रहे कि असी बड़े पक्के जन्नती हाँ जिस तरह के अल्लाह ने इन्हें जन्नत का टिकट थमा दिता। जिन्हें अल्लाह वाले होते ने वो अपनियां खतावां याद करते ने अपनियां नेकियां याद नहीं करते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा दोनों मियां बीवी नू जमीन ते उतारिया मगर एक जगह ते इकट्ठे नहीं उतारे। आदम अलैहिस्सलाम जजीरा है सरनदीप जिसनू श्रीलंका कहा गया है इस मकाम ते उतारिया और हजरत हव्वा नू जद्दा जद्दा का मान ही दादी उस शहर नू दादी दे नाम ते आबाद और मौसूम किया गया। अलहमदुल्ला सईदा हवा की कबर अपनी दादी मोहतरमा की बंदा नाचीज को अल्लाह ने दिखाई। तो एक गुना की पादाश सजा कितनी बड़ी है कि जन्नत चो देश निकाला मिल गया है यह बेतू उतर जाओ जन्नत तो यह नाफरमाना की जगह बोलो इताअत गुजारा की जगह वफा शियारा की जगह है मुत्तकीन दा ए मकाम ओ इद्दत लिल मुत्तकीन ये तैयारी परहेजगारा वास्ते की गई है ना हंजारा फासकां फाजरां बदकारा नाफरमाना वास्ते जन्नत नहीं तैयार की गई। जन्नत दे दरख्त दे पत्ते लैके जो उस वक्त लिबास दूर होया फौरन चौड़े चौड़े पत्ते लग के अपना सतर कजिया मियां बीवी और फिर जन्नत ते उतार दिता गया और फिर मुख्तलिफ जगह ते दोनों मियां बीवी इस भरे जंगल के अंदर इस वीराने के अंदर उतारे गए ने जिथे कोई आबादी नहीं दोनों रो रहे ने अल्लाह फरमाते ने असा फिर आप दुआ सिखाई मियां बीवी नू कि ऐ दुआ पढ़ो तो तुहाडी तौबा कबूल हो सकती। मस्जिद दे मलाइका रो रहे ने जिन्हां दे सामने नूरी सजदा रेज होए वो रो रहे ने अबू अल बशर ने मस्जिद दे मलाइका ने खलीफतुल्लाह फिल अर्ज ने मगर अल्लाह की बारगाह में आजी और इनकसारी का इजहार किस तरह कर दे
रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए साडे परवरदिगार, असीं अपनियां जानां ते ज़ुल्म कर लिया है, तेरी नाफरमानी कीती है। जे साडे आलेदार ते तू रहम ना कीता, साडा गुनाह मुआफ ना कीता, ते असीं खसारा पाउण वालियां विचों हो जावांगे। एक किन्नी देर दुआ करते रहे, किन्नी देर रोते रहे ने, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, मुफस्सिरीन ने लिखा है 40 साल। असी ते गुनाह करके तौबा करना भी नसीब नहीं कि इस्तिगफार ही कर लिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, आदम अपने आप को तनहा ना समझना। इन्नी महबतुम मा कबीतन, मैं तुहाडे नाल तुहानू कल्या नहीं छड्डांगा, अपना एक घर भी उतारांगा। इन्नी महबतुम मा कबीतन युताफु, उदे तवाफ कीते जांगे। कमा युताफु अरशी, जिस तरह मेरे अर्श दा फरिश्ते तवाफ करते ने। तवाफ दा मतलब है चक्कर काटना, और जिस मकाम ते तवाफ किया जाए उसको मताफ किया जाता। सौतुन एक चक्कर, असवात उसकी जमा है, एक तवाफ दे 7 चक्कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुहाडे नाल ही अपना घर जमीन ते उतार रहा, मेरे घर दे तवाफ होंगे जिस तरह के मेरे अर्श दे तवाफ होते। वयुसल्ला इंदहू कमा युसल्ला इंद अर्शी, फिर इस मेरे घर काबे दे नजदीक इस तरह नमाज़ां पढ़िया जाणगियां जिवें मेरे अर्श दे नेड़े पढ़िया जांदियां ने। अल्लाहु अकबर। वल्लाह, अल्लाह दी कसम, ये अल्लाह दा घर बड़ी अजमत वाला है। वलियतवफू बिल बैतिल लतीक, सूरह हज। अल्लाह फरमा रहे, मेरे इस कदीमी घर का तवाफ करो। वलयूफू नुज़ूरहुम, नजरा न्याजा लेके आनिया ने, देगा ते चढ़ावे लेके आने ने, कुकड़ चिट्टे ते काले लेके आने ने, जे बकरे ते छतरे लेके आने ने, जे दुध दियां बाल्टियां ते ड्रमियां लेके आनिया ने, ते उहदा मरकज ते मेवर कोई ढेरी ते कबर नहीं, मेरा घर है। वलियूफू नुज़ूरहुम, ये अल्लाह दा कुरान कह रहा है। नजरां पूरियां करो जिहड़ियां मन्नतां मनियां ने। एक ते मन्नत हलाल मन्नो, जायज ते शरी मन्नो, गैर शरी मन्नत ना मन्नो। एक बीबी दरवाजे ते आके दस्तक देंदी है, मैं पूछा बीबी की गल है, कहंदी है ऐ मेरा बच्चा है, ये पहली बारी होया है, पहला बच्चा है, मैं मन्नत मन्नी सी जे अल्लाह ने मैनू पुत्र दिता ते मैं घर का लिबास इनू नहीं पहनावांगी, कपड़े मंग के पहनावांगी। जेड़ा रब बच्चा दे सकता है उहदा लिबास नहीं दे सकता। इहदी मन्नत मन्नी। एक बीबी कहिंदी है, मैं मन्नत मन्नी है जे अल्लाह मैनू पुत्र दिता मैं उहदी पोटी खावां, रोटी नहीं बोटी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह।
इतनी गंदी मन्नत नजर न्याज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे नाम दी। जे मन्नत मननी है ते सैयदा मरियम दी वालदा जौजाए इमरान जैसी मन्नत मनो। वैध कालत इमरा तो इमरान रब्बे इन्नी नजर तो लगा माफी बदनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। इमरान दी बीवी ने कितनी प्यारी मन्नत मनी है, अल्लाह मैं उम्मीद ना ला करम तू कीता है और जो कुछ भी मेरे पेट दे अंदर है मैं नहीं जानती तू जानना है, ये बच्चा है या बच्ची है, खास ते है कि अल्लाह तू मेरे बेटा दे मैं उन्हें तेरे घर का खादम बना देंगी, तेरे घर की नौकरी और चाकरी करेगा। पैदा की होया बेटी फतकब्बलहा रब्बुहा बिकुबूलिन हसन। अल्लाह ने फरमाया इस मन्नत नूं मैं सोहणे तरीके नाल कबूल किया। पैदा होई मरियम, ये मन्नत है जो नेक लोग मन्नता मनते ने वो अल्लाह की रजा की खातर मनते। फला मेरा काम हो गया, मैं इतने रोजे रखांगा, इन्ने नफल अदा करांगा। बाद नफलां की मन्नत मनते ने फर्ज पढ़ते नहीं, ये वादा कर लो रब नाल कि या अल्लाह आज तो पिछे मैं फर्ज नहीं छड़ांगा। तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती ना सही, शराक नहीं पढ़ी जाती ना सही, नमाज़े तस्बीह नमाज़े चाश्त सलाते अवाबीन अगर नहीं पढ़ सकते ना पढ़ो, फर्ज तो जरूर पढ़ो। ये मन्नत बनो कि या अल्लाह आज तो पिछे मैं रमजान दे फर्ज रोजे नहीं छड़ांगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का तर्जमा पढ़ांगी। तू बेटा दिता उसकी तरबियत इस्लामी खतूत दे मुताबिक करांगी, मैं अपने बेटे नू तेरे कुरान का कारी ते हाफिज ते आलिम बनावांगी। कितनियां प्यारियां मन्नतां। एक वडेरा बंदा उमर रसीदा हज ते जा रहा है और बेटिया ने उन्हें सहारा दिता है, उसके कोल चलिया नहीं जाता। सैयदना उमर फारूक ने देखा फरमाया है बुजुर्ग नूं तुसीं ऊंट ते क्यों नहीं बिठाते। जी इन्होंने अब्बा जी ने मन्नत मन्नी सी कि मैं पैदल चल के हज करा। ये पैदल चल नहीं सकते, असीं दोवें भाई सहारा दे रहे हैं अपने वालिद नूं। फरमाया ये कोई मन्नत नहीं, इहनूं ऊंट ते बिठाओ। ऐसी मन्नत ना मन्नो जिस दी तुहाडे विच ताकत नहीं इस्तताअत नहीं। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ते किसे जी नूं उहदी ताकत तो वध के तकलीफ ही नहीं देंदा। तुसीं अपने आप नूं तकलीफ क्यों दे रहे हो। एक घर तशरीफ लै गए अल्लाह दे रसूल, उन्होंने कमरे के अंदर एक मंजर नजर आया, दो पिलर के दरम्यान एक रस्सा बनया। आपने पूछा है घर वाले ए किस वास्ते बनया है। ये जी साड़ी वालदा रात को क्याम कर जाती कर दिया ने, जो थक जाती ने इस रस्से नाल टेक लगा के क्याम कर दिया। फिर मैं खोल दो, इस्लाम में जबर कोई नहीं, इस्लाम अमनो आश्ती का दीन है, अमन और सलामती का दीन है। उतनी इबादत करो जितनी बदन खुशी नाल कबूल करे, इजी होके इबादत दे अंदर मुशक्कत नू नहीं आन दिता। अगर नींद का गलबा है तो सो जाओ, भुख का गलबा है पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो। कजाए हाजत की तकलीफ है तो पहले लैटरीन जाओ,
बाद जाके नमाज पढ़ो, जो तुहाडे जिस्म नूं राहत ही नसीब नहीं, उसके अंदर बेचैनी और इस्तराब है, तो इबादत कैसी? इबादत वास्ते सुकून का होना जरूरी। अगर सुकून नहीं होगा तो अल्लाह नाल काल किस तरह इबादत गुजार मिलाएगा। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल दोनों बाप बेटा अजीब शान तारीख की शख्सियात ने अल्लाह ने फरमाया मेरा घर बनाओ। ये नहीं आख्या जापान तो, अमेरिका तो, इंग्लैंड तो, चीन तो माहिर तामीरात बुलाओ, इंजीनियर बुलाओ, नक्शा बनाओ, बेहतरीन इसकी तामीर होनी चाहिए। बल्कि आपने फरमाया मेरे खलील अपने बेटे को मजदूर बनाओ, खुद मेमार बनो और मेरा घर तुसी तामीर करो। बल्कि मैं तो अपने लफ्जा में यह कहना हुन्ना कि अल्लाह ने फरमाया मैं उसे कोलो अपना घर बनवाना है जिन्हें मेरे पीछे अपना घर छड़ दे। असाने टिकाना दिता है, केड़ा मकाम टिकाना दिता है? दुनिया का कोई महालिया पलाजा नहीं, दुनिया का कोई खूबसूरत सयाहत वाला इलाका नहीं। अल्लाह फरमाते ने मैं अपने इब्राहिम जिहड़ा मेहवर और मरकज अता फरमाया है वह मेरा घर बैतुल्लाह है। वैज जालनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना, ए मेरा घर अमन दा गहवारा है, ए सवाब दी जगह है, इत्थे बैठना भी सवाब है, मेरे घर काबे नूं वेखना भी सवाब है। इहदी एक वार दी ज़ियारत, एक वार दा अकीदत मुहब्बत नाल देखना इन्ना अजर रखदा है कि अल्लाह पहले सारे गुनाह ही बख्श देंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सब नूं अपना कर दे। ऐजे ज़ियारत गाहे खलायक, ऐह मरकज़े तौहीद, मरकज़े अनवारो तजल्लियात, जिन्होंने लोगों ने मरकज़े अनवारो तजल्लियात बनाए, मरकज़े शिरकियात ने अल्लाह के घर नूं देखण नाल मोमिन दे पिछले सारे गुनाह बख्श दिते जाते। अल्लाह अकबर। इस मकाम ते फी है आयात बय्यिनात, रोशन दलाइल। अगर तुसा कुरान नू मुजस्सम देखना है तो मक्के की सैर कर लो। ये पूरा मक्का जिसके अंदर तुहानू शायरुल्लाह नजर आउणगे मुकद्दस मकामात ने जिन्हों का जिक्र कुरान करीम के अंदर है। तो खलीलुल्लाह मेमार बन के अल्लाह के घर की तामीर शुरू की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर लिया रहे ने और कुरान का कैमरा रख के अल्लाह ने मंजर कशी फरमाई। वैज यरफाउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबा तामीर कर रहे हैं, गोदे फटे कितों आंदे, रस्से कितों आंदे, शटरंग का समान कितों आंदा। अल्लाह ने फरमाया ऐ एक पत्थर मैं भेजा, इहदा नां ही मकामी इब्राहिम है। मेरे खलील इहदे ते खड़े हो जाओ, जिवें जिवें दीवार उसरदी जाएगी उवें उवें ये गोदा काम देगा, ये उतां हुंदा जाएगा।
दीवारें तामीर हो गई, अद में आई तो अल्लाह ने फरिश्ते नूं भेजिया कि इस जबल अबू कुबैस ते एक स्याह नहीं बल्कि सफेद रंग का पत्थर है, इस पत्थर नूं उठा के कोने में रख दो, यह जन्नत चो है। पांच पहाड़ों के पत्थर काबातुल्ला की तामीर च इस्तेमाल होए ने, जिदे विच गारे हिरा वाला पहाड़ है, यानी जबले नूर, जबले ईन और कोहेतूर, जबले लबनान, इन पहाड़ों तो अल्लाह ने पत्थर फराहम किया है। पत्थर जन्नत चो आया है, यदा नाम हजरे अबियज है और इसकी शान कितनी है, हर चक्कर ते इनू बोसा दे, इहदे बोसे तो बगैर तवाफ ना मुकम्मल है। बोसा देन नूं कहिंदे ने इस्तिलाम, यानी चुमना। पाकिस्तान दे ते जाहिल हाजी जिथे दिल करदा उत्थे चुमदे फिरदे, ना पता मकामे मुलतजिम दा हिस्सा केड़ा है, सारा काबा ही मकामे मुलतजिम बना देता है। बाबे काबा यानी काबे के दरवाजे के नीचे जो जगह है जमीन तक मकामे मुलतजिम है, इसे इस मकाम से चिमट के अल्लाह के रो के दुआवा करनी। इल्तजाम का मान ही चिमटना होता है। तो हर फेरे में एदे इस्तलाम तो एदे बोसे तो तवाफ का आगाज होगा और हर फेरे में चुमया जाएगा, सत फेरिया में एक तवाफ होगा। फरमाया हो यमीनुल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला युसा युसाफ़ियो बेही खलकाऊ, एक पत्थर पत्थर ही ना समझो, ये जन्नत चो आया है। फरमाया अल्लाह जो जल्लार जिस बंदे ने मसाफा करना होवे एदा बोसा ले ले, यानी जो एदा इस्तलाम करेगा चुमेगा उन्हें समझ लो अल्लाह रा हाथ मिला लिया। होवा यमीनुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह एदे जरिए अपनी मखलूक नाल मसाफे करता है। जिस वक्त जन्नत चो आया है एदा रंग सफेद सी, फिर बनी आदम दे गुनाहां दी वजह तो एदी रंगत भी सफेदी तो स्याही में बदल गई, ये रंग दा काला हो गया। जिवें गुनाहां नाल दिल काले हो जाते ना, इसे तरह इंसानां दे गुनाहां दे असरात इस जंती पत्थर ते भी पै और सफेदी तो स्याही च बदल गया। गुनाहां दी स्याही, नाफरमानियां दी स्याही, अल्लाह अकबर। ये ते ओ मकाम है जिथे आके सारे गुनाह तुर जांदे, कोई गुनाहां दी स्याही नहीं रहिंदी अल्लाह के घर में आके। बल्कि एक हदीस है कि नबी सल्लम ने फरमाया जदों भी किसी कौम ने अपने नबी को झुठलाया और उस नबी ने अपनी कौम और वतन को खैरबाद के हिजरत की है तो सीधा पक्के आए। हर नबी ने मक्के में आके पनाह ली। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी ने, अबू अलंबिया ने, किन्ने हज कीते ने 1000, ज्यादा तो नहीं, सवारियां तो नहीं, पैदल 180 फुट ते उन्हां दा कद, 60 गल पैदल हज कीते, 40 साल तक रोंदे रहे, हज भी करते रहे, अल्लाह को बख्शिश भी मंगते रहे,
40 साल तो बाद अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई और किस मकाम ते मियां बीवी की मुलाकात हुई है? जबल रहमत ते। ये रहमत वाला पहाड़ मैदान अरफात के अंदर है। इस मकाम ते मियां बीवी की अल्लाह ने मुलाकात करवाई। इसनों जबले तौबा भी कह लो, जबले रहमत भी कह लो। अल्लाह अकबर। जुदाई दे 40 साल आहोदारी दे अंदर गुजारे। एक छोटी जी गलती तो इतनी बड़ी सजा मिली, तो असल वतन साड़ा केड़ा है? जन्नत कलेम करना चाहिए। जेड़े लोग हिंदुस्तान तो हिजरत करके आए ने, उन्हें अपने कलेम दाखिल करवाए कि जनाब इन्नी जागीर दे सी मालिक सा, सानू उतनी जमीन इलाज कीती जाए। अगर कोई औलाद अहल होवे, नलायक ना होवे, वो अपने बुजुर्गों की जमीन का केस कर दिए कि नहीं साढ़े वड्डिया की है जागीर है मुरब्बे है जमीना है जायदादा सन, सानू ही मिलनी चाहिए है, इलाज होनी चाहिए। कलेम होता है ना, तो साड़ा हक है कि नहीं कि असी अपने वड्डियां दी जागीर जन्नत हासिल करन दा कलेम दाखिल करिए? और कलेम क्या है? अल्लाह की इताअत गुजारी, अल्लाह की फरमा बरदारी। फरमाया ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत जो है परहेजगारा वास्ते भी। जेड़ा हुण परहेजगारी की टिकट हासिल कर लेगा वो अपने बाप की जागीर हासिल कर सकेगा। फरमांदे ने मन के तरफ जमीन गलाया अरशों फर्श टिकाया हूं, कर थी मिलिया देश निकाला असा लिखिया झोली पाया हूं, ते बौनी ना कर चेड़ा नी साडा अगे ही मन घबराया हूं, असी परदेसी साडा वतन दुराडा सानू दम दम गम सवाया हूं। अल्लाह सानू अपने वतन खैर ना पहुंचाए। जाना जे दिल चाहता है। अल्लाह अकबर। फिर कुछ खूबियां पैदा करनिया होंगियां। मैं हदीस पढ़ रहा सा, सहाबा विच अल्लाह दे रसूल तशरीफ फरमाने और खुल के हसे। सैयदना उमर फारूक ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे मां बाप तुहाडे कुर्बान अज बड़ा खुल के हस रहे हो। फरमाया मैं एक मंजर वेख रहा, अल्लाह के सामने दो बंदे ने वो गोडे मुद्दे मार के अल्लाह ने झगड़ा कर रहे। एक मुदई एक मुद्दा आलह है, यानी एक दावा करता है दूसरे ते, और वो दावा करने वाला मुदई की कहता, या अल्लाह इस बंदे ने मेरा हक मारे है, अज मैनू तू ये को मेरा हक लैके दे। वो कहिंदा या अल्लाह मेरे को ते शै ही कोई नहीं, मैं इनू की देवा, मैं किस तरह एक दिस दा हक अदा कर सकना। अल्लाह अकबर। उचरा नू मुदई ने उतां नजर उठाई ते उन्हूं खूबसूरत महलात नजर आए, सोने चांदी दियां ते हीरे मोतियां नाल जड़े होए ए महल। वेके ते कहिंदा है कोई नबियां दे महाल ने। अल्लाह ने फरमाया एदी कीमत तू दे सकना है? या अल्लाह मैं किस तरह कीमत दे सकना? फरमाया अपने भाई नू माफ कर। अल्लाह अकबर। एदे दाम एदी कीमत
तू अदा कर सकना है अगर अपने भाई नूं माफ कर। आंदा या अल्लाह मैं माफ कीता। अल्लाह ने फरमाया फिर कल्ला ना जा, अपने भाई दी बांह फड़ ते दोवें जन्नत च। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। الله جڑے چھپے کھلے خیراتاں کردے، لوکاں واسطے مخالا نہیں کردے، نمائش نہیں کردے۔ युनफिकूना फिसर्राई वज़र्राई, तंगी विच भी खर्च कर देने, खुशहाली विच भी खर्च कर दे। ये नहीं कि अपना फ्रीजर भर लो जे को गोटी बची तो दे लांगे किसे, आ महीना तो गोटे दे के खाना है, अगो तुसा मर जान। अगो रब देन वाला नहीं। एक सखी बंदा एक गरीब बेवा औरत के दरवाजे ते आके दस्तक देंदा है, बीबी कोई मदद की जरूरत है? वो अपनी बेटी नूं कहिंदी बेटी वेखा रात दा आटा है? हां मी है वे वीरा, फिर उत्थे जाके दे जिहदे कोल रात दा भी नहीं। कोई तवक्कल नहीं अल्लाह दी जात ते। जानवर अल्लाह ते तवक्कल करते ने, कीड़े मकौड़े अल्लाह ते भरोसा और तवक्कल करते ने, परिंदे अल्लाह ते तवक्कल कर रहे ने, और तेरे को सब कुछ होने के बावजूद भी तवक्कल नाम की कोई चीज नहीं। कुर्बानी किस चीज का नाम है? अल्लाह अपने बंदियां दी सीरत मुबारक का नक्शा पेश कर रहे। अपनिया लोड़ा जरूरत हाजत कंड पिछे सुट के अपने गरीब मिसकीन ते हकदार भाइयों दिया जरूरत पूरी करते ने। अन्फुसहिम वलौ कान बिहिम खसासा, आप चाहे कितने जरूरतमंद क्यों ना हो, इसार और कुर्बानी दी मिसाल है अहले ईमान दी। अपनी जरूरत का ख्याल नहीं, मेरे भाई का काम होना चाहिए, मेरे भाई की जरूरत पूरी होनी चाहिए, मेरा भाई भुखा है इनू रोटी खिला दो, आप भुख ना लात कड़ ला। وَمَنْ يُوقَ شُوْخَ نَفْسِهِ اللَّهُ اَكْبَر، جیڑا بھی بخل تو بچا لیا گیا اس میں لو کامیاب ہو گیا ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُوْخَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے ہوئی کامیاب بخیلی تو بچا لیا۔ ये बुखल है, बुखल आ गया कंजूसी नू। तेरे को सारे मसाइल ने, फिर तेनू इन्ना फिक्र है, तू उन्होंने दे जिन्हों के पास कुछ भी नहीं। इहदा नाम है ईसार, इसका नाम है कुर्बानी। तो भाई मैं अपने मौजू की तरफ लौट रहा कि अल्लाह का घर तामीर हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर दुआ की, दाता दे दरबार च खड़े हो गए। दाता कौन है? अल्लाह अकबर। फिर दसो दाता कौन है? अरे देने वाला, देने वाला, लेने वाला लेता होता है, दाता नहीं होता। दाता वो होता है जो देकर खुश हो। अल्लाह अकबर। किदे को मंग रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह कबूल कर ले साड़ी इस मेहनत नू जो तेरा घर तामीर कीता है, और असी हुण मजदूरी मंगनी है तेरे को, तू साडा दाता है, असी तेरे सवाली है। अल्लाह ने फरमाया खलील मंगो,
तुसा ते सब कुछ मेरे राह विच लुटा दिता है, हुण मंगो की मंगना चाहते हो। आपने रब को की मंगया, रबना अजालना मुस्लिम लगा वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमत लक व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह सानू अपना फर्मा बरदार बना के रखी, मैनू भी ते मेरे बेटे इस्माइल नू भी इस आस्थाने ते रखी, असी कोई दूसरा बुआ ना वेखिए, तेरे दर ते आइए, सर झुकाइए ते तेरे दर ते, अल्लाह मंगिए ते तेरे कोलों, अल्लाह डरिए ते तेरे कोलों, उम्मीदा रखिए ते तेरे कोलों, कोई दूसरा आस्थाना सानू वारे विच ही नहीं। अल्लाह अकबर। होर भी खलील की मंगना है, मंगो। या अल्लाह मैं दूसरी दुआ ये करना, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, ओ जिहड़ा पहले दिन तो जिन्हें सोने दियाँ तो मां पै रही हैं ना, वो सोना आ रहा है या अल्लाह, वो इत्थे करनी। ऐ तेरा घर है, ये मरकज़े अनवारो तजल्लियात है, ये तौहीद दा गहवारा है, ये सब तो वड्डी कायनात दी यूनिवर्सिटी है। इत्थे वो सोना मुअल्लिम बन के आवे, मुज़क्की बन के आवे, रहबर बन के आवे, मुक्तदा बन के आवे, पेशवा बन के आवे, आवे रहबरो रहनुमा बन के आवे। सल्लल्लाहु ते या अल्लाह मेरी औलाद इच्चो आवे, मेरी नस्ल इच्चो आवे, ऐस मेरे बेटे इस्माइल दी ज़ुर्रियत इच्चो आए। अल्लाह ने फरमाया, खलील तेरी ये भी दुआ करूं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरे ज़ी ज़रअइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। पहले दिन जो इस्माइल मासूम है, शीर खार है, अल्लाह के हुक्म नाल हजरत हाजरा ने और इस्माइल ने जंगल छड़ गए ने कि या अल्लाह ऐ मैं तेरे सपुर्द करना। हुक्म किदा सी? अल्लाह दा। जवान बीवी, मासूम बच्चा, बुढ़ापे दी औलाद, दुआवां कर करके अल्लाह को लईए और अल्लाह दे हुक्म ते, अल्लाह दे हर इशारे ते खलील हर चीज कुर्बान करन नूं तैयार हो जांदे ने। इस जंगल विच लिया के बच्चे नूं और बीवी नूं छोड़ दिता है। क्यों? अल्लाह दी मर्जी ये है कि इन्हां तो बगैर मेरा ये घर आबाद नहीं होना। खलील ने भी कुर्बानी दीती और दुआ की थी, जान लगे तीन दिन ठहरे और फिर हुक्म आ गया, खलील तुसी नहीं इत्थे ठहर सकते, तुसी जाओ। ये नहीं पूछिया या अल्लाह मेरी बीवी हाजरा का की बनेगा, ये तो जंगल है, कोई जिंदगी दे आसार इत्थे नजर नहीं, कोई करीब करीब आबादी नहीं, कोई पानी दे आसार नहीं, कोई सवाल नहीं किया, ऊँट तैयार किया चल पैने, बीवी भी हजरत हाजरा ने भी दसिया। अल्लाह दिया मर्जिया उत्ते कुर्बान होने वाला इब्राहिम दूर जाके जो देखा कि मैं हूं नजरा तो दूर हो गया, ऊँट तो उतरे ने पहाड़ दे दामन च, काबे वल मुंह करके सजदे पे और दुआ की थी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरे ज़ी ज़रअइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता फ़ज़अल अफ़्दतम मिनन्नास तहवी इलैहिम।
या अल्लाह मैं अपने बीवी बच्चे तेरे घर को आबाद करके जा रहा इस वास्ते नहीं कि इत्थे कोई बड़ा खूबसूरत एरिया है, इत्थे दुनिया दियां नेमतां ने, सड़े पहाड़ ने, गैर जी जरा इलाका है जिथे कोई शायद काश्त नहीं हो सकती, संगलाख इलाका, पथरेली जमीन। अल्लाह मकसद क्या है? ले युकीम सलाता, ये तेरे घर में नमाज़ पढ़न, ये सजदे करन, ये क्याम करन, ये कुऊद करन, ये सुजूद करन, अल्लाह तेरिया तस्बीहां पढ़न, और एक नमाज दे बदले लख नमाज दा सवाब हासिल कर। ऐसी जगह कोई होर है? एक रमजान उत्थे गुजारो ते नेकियां च इजाफा, जिथे एक लख दा नमाज है हुण 70 लख दा नमाज, 70 लख दी नमाज दे बराबर, कितना बड़ा अजर और सवाब दा मकाम है अल्लाह दा घर, ये मस्जिद हराम। अल्लाह अकबर, अल्लाह सानू सब नू देखना नसीब फरमाए। सन 94 में जदों चिट्ठी मिली कबूलियत दी, ते जज्बात तशक्कुर दा अंदाज अख्तियार करके लबां ते किस तरह अदा होए, अल्लाह अकबर। मेरे जय उगण आरे ते, मेरे जय उगण आरे ते, किड्डे मौला कर्म कमाए ने, विच काबे हाजर होवण दे, मैनू मिसने आए ने, मुद्दता तो तरसन अखियां ने, मक्के दिया तांगा रखियां ने, ए मुद्दता तो तरसन अखियां ने, मक्के दिया तांगा रखियां ने, अज रहमत रब दिया वसियां ने, मेरे सुतले लेख जगाए ने, विच काबे हाजर होवण दे, मैनू मिसने आए ने। कईया मान अपनी जरदारी दा, जी बड़ा पैसा है, मैं हर साल इन्ने उमरे करना, मैं इन्ने हज किते होए ने, पैसे ते भरोसा है ना, अल्लाह अकबर। ओ कईया मान अपनी लरदारी दा, मैनू तकिया फजल गफारी दा, कईया मान अपनी लरदारी दा, मैनू तकिया फजल गफारी दा, कोई फिक्र नहीं इस नदारी दा, ऐवें रब सबब बनाए ने, विच काबे हाजर होवण दे, मैनू मिसने आए ने। मौलाना रूमी फरमांदे ने, एक नन्ही जी चोटी दे दिल विच ख्वाहिश पैदा होई, अल्लाह मेरा दिल चाहता है मैं तेरे घर दियां ज़ियारतां कराऊं, अल्लाह तेरे घर दे तवाफ कराऊं, फिर मैं हाजियां दे पैरां थले रौंदी जावां, मस्जिद जावां, फिर उत्थे मैनूं मौत आ जाए, अल्लाह मैं मिसकीनी कमजोर ते नातवाना, मुसाफतां बड़ियां हजारां मील दियां ने, रस्ते विच सहारा भी आउंदे ने, समंदर ते दरिया भी आउंदे ने, मेरे जी मिसकीन कमजोर ते नुमाणी जई तेरे घर किवें पहुंच सकदी ए। अल्लाह ने फरमाया नी कीड़िए
मैनू तेरा इखलास ते मोहब्बत पसंद आ गई, लै मैं तेरे वास्ते वसाइल मुहैया करना। हरम दा एक कबूतर उड़दा 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 एदे करीब आके बैठ जांदा है। अल्लाह चौंटी दे दिल विच गल पा दित्ती नी, तेरी सीट बुक हो चुकी है, ऐ तेरी फ्लाइट तेरे करीबे, तेरे डॉक्यूमेंट तैयार ने, तेरा वीजा लग गया है, तेरा पासपोर्ट बन गया है, ऐ तैयारा भी आया बैठा है, उठ बौना इहदे पैर नाल चिमण जा, तेरी मंजिले इश्क ते पहुंचा देना मेरा कम है। अल्लाह अकबर। वो पहुंचाना चाहे तो पहुंचा देता है, खास हो वे सही, मुहब्बत सच्ची हो वे। चिउटी कबूतर दे पैर नाल चिमट गई, कबूतर मैं बेपरवाह हो गया, उड़दा उड़दा सहरावां नूं अपूर करदा, समंदरां दरियावां नूं क्रॉस करदा होया हिजाज़े मुकद्दस पहुंचया है, फिर मक्का शरीफ पहुंच गया है, फिर ऐन काबे दे सामने मताफ विच जाके उतर गया है। अल्लाह ने चिउटी दे दिल विच गल पाई, छड़ दे इस सीट नूं, तेरे इश्क दी मंजिल आ गई। अल्लाह अकबर। कोई खास रखे, कोई साइल बने, अल्लाह दा मेरे अगे कोई मुश्किल नहीं, मैं पहुंचा देना। छोटी जी चिउटी नूं पहुंचा देना, पांच मन दे चिउटे नूं पका देना। अल्लाह पता लगा ऐसा वो ने जो इंग्लैंड च बैठ के मुतालबा करते ने कि मक्का और मदीना को ओपन सिटी करार दिया जाए। ये हजरत साहब मदीने तशरीफ लियाए ने, इन्हां दे होंठ भी पान नाल बड़े सुरख नजर आ रहे ने। अल्लाह लबां दी लाली रश्के उरूसा, पता लगा उथों दे मुहाफजा नूं के ओ सरकार है जो कहिंदे ने मक्का और मदीना ओपन करार दिओ ताकि सानू कोई रोक न सके, असी जो चाहिए। मैं कहना अगर इन्हां नूं इजाजत मिल जाती ए ते मक्के और मदीने की मिट्टी भी न रहन देंदे। अल्लाह अकबर। उठाया गड्डी सुटिया और इंज समझ लो ऐसा आशिक जिसे महबूब धक्के देकर अपनी गली से निकाल दे। यानी उन्होंने एयरपोर्ट ते पहुंचाया, डिपोर्ट कीता और उतों दे एहलकारां इमीग्रेशन वालियां नूं क्या क्यामत आ जाए ये मौलवी दोबारा सरजमीने हिजाज ते कदम ना रखना पाए। देखिया जी किवें निकलदे ने। डूब मरना चाहिए ऐसे आशिक को जिसे महबूब अपनी गली से धक्के देकर निकाल दे। यहां लोग आते नहीं, बुलाए जाते हैं। जिनको अल्लाह मंजूरी की टिकट देता है वो आते हैं। अल्लाह अकबर। बैरून दर्ज कर दी किधरूने खाना आई, आवाज आई बार की करते रहे हो, इत्थे की लैन आए हो, ये ते मकाम उशाके मुस्तफा दाए, ये तौहीद ओ सुन्नत दे नूर नाल जिन्ना दे सीने भरपूर ने, ये उन वास्ते मकाम है। वरना उत्थे ते अबू जाल भी रहा, अबू जाल किथे जमे, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੌਹੀਦ ਅਤੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਕਿਤਨਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਬੂ ਲਾਹਬ। ਲਾਹਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ। यानी शोला नुमा एदा चेहरा है।
अल्लाह ने आख्या जे मेरे महबूब नू ना मनिया ए शोले वाले प्यो नू अग दियां शोलियां दे हवाले करा तपत जदा भी लहा बिम वतब चिट्टे रंग वाला अबूला जालिम चिट्टे रंग वाला अबूला जालिम वेखो दोखा वल चलान होया इधर काला कलोटा बिलाल हबशी कलमा पढ़ के जन्नत रवान होया सोनिया कुछ अदा नहीं मुल पैना जेकर पले ना पूरा ईमान होया हादी पीर जे नबी सुल्तान बनया राजी समझ ले रब रहमान होया अबू जाल पापी जमिया बिच मक्के पर ना फिर भी नसीब ईमान होया वाटा कट के फार सोयान पोता ते सलमान सोना मुसलमान होया किधरे रूम नू छड़ सुहैब आया ओए कमली वाले दयान दरबान होया चुरमट पा ले आन के आशका ने चुरमट पा ले आन के आशका ने हर कोई पहुंचे थे परदान होया केड़ा सीरे नान क्यों दाद क्यों सलमान फारसी का मगर मकाम की मिले है जुबान रिसालत तो दे इलाक मिंट होई है ए मजदा जा फिजा सुनाया गया है ए खुशखबरी सुनाई गई सलमान फारसी नु के सलमान मिन्ना अहलल बैत सलमान ते साडा अहले बैत साडा फैमिली मेंबर है साडे टब्बर दा जी है अल्लाह अकबर इतना मकाम मिले फारस फारसी नू अजमी है अरबी नहीं मेरे नबी दे खानदान नाल किसे पास्यों ताल्लक नहीं मगर मकाम रफी कितना मिलया ए अहल बैत दा फर्द करार दिता गया और सईदा फातिमा भी कहदियां ने बाबा जी उम्महातुल मोमिनीन दे घरां विच आम आंदे जांदे ने कोई रोक रुकावट नहीं बल्कि अल्लाह दे रसूल ने फरमाया जन्नत दा शौक ते सारा जहान रखदा है पर तीन बंदे किस्मत वाले ए भागां वाले ने जिन्हां दा शौक जन्नत रखदा है फरमाया वो मेरा अली है वो मेरा अम्मार है वो मेरा सलमान है अल्लाह अकबर तो भाई इत्थे मैरिट और मेयार तकवा है तौहीद है इखलास है अल्लाह ने फरमाया ए मेरा घर तामीर हो गया इब्राहिम हुण जरा ऐलान कर दियो या अल्लाह स्पीकर कोई नहीं जी अल्लाह मेरी आवाज ते ना पहाड़ा दियां चोटियां नाल टकरा के रह जाएगी मां यबल वो सौती मेरी आवाज कितने नहीं पहुंचेगी अल्लाह ने फरमाया अलैकल अजान व अलैना अल बला तेरा काम ऐलान करना है मेरा काम इस तेरी आवाज नु पहुंचा देना है ये पहाड़िया ते इत्थे ने तेरिया आवाजा जेड़े बाजेड़े रूह अपने बापां दियां पुश्तां विच ने उन्हां तक पहुंचावां और जिदी बारी कोई लबैक तेरी आवाज ते कहेगा उन्नी बार उसनु अपने घर विच पहुंचन दी सआदत अता करा फरमाया अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज हज दा ऐलान करो के लोगो अल्लाह दा घर तामीर हो चुका है आओ एदा हज करो हज दा क्या सवाब है इन्नल हज यखदमु मा काना कबलाऊ अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा भी मेरे इस घर दा एक हज करेगा ओदे पहले सारे गुनाह बख्श दित्ते जाणगे
मकाम इब्राहिम ते नफल पड़े दुआ कबूल होगी, सफा ते जाए दुआ कबूल होगी, मरवा ते जाए दुआ कबूल होगी। मेरे घर का तवाफ करे हर चक्कर में जो दुआ करेगा मैं कबूल करांगा। फिर जम जम नोश कर तो पहला जो दुआ करेगा मैं कबूल कर। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर अल्लाह अकबर जम जम पी तो पहले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तू सच्चा है, तेरा नबी सच्चा, तेरे नबी का फरमान सच्चा, तेरे नबी सोने ने फरमाया जम जम पी तो पहले जो भी दुआ की जाए ओ अल्लाह तू कबूल करना है। या अल्लाह मैं ये दुआ करना कि मैनू क्यामत दे दिन दी प्यास तो बचा। अल्लाह अकबर। इसके अंदर गिजाइयत भी है और तशरी की उन्हीं बुझाण वाला भी ये पानी है, प्यास भी बुझाता है, भुख भी मिटाता है। ये यकीन नहीं आता तो अबू जर गफारी को पूछ लो, पूरा महीना लुक छुप के बैतुल्ला दे विच रह और अपना तारफ नहीं करवा रहे कि कितने मक्के वाले मेरे ते तशद्दुद न करन और जम जम दा पानी महीना पूरा पीते रह, कोई रोटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जम जम का पानी और गंदिया छपड़िया का पानी पीने वाला, और उस गंदे पानी नूं तबर्रुक का दर्जा अता करने वाला। अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह तुहानूं जम जम दे जाम नोश करने की तौफीक अता करे। साडे कोल जम जम है, सानू इन्हां छपड़िया की लोड़ और साडे कोल नबिया का इमाम है, सानू किसे होर पीरो मुर्शद की जरूरत नहीं, साडे कोल रब दा कुरान है, इस वास्ते सानू होर किसे किताब या किताबड़ी की जरूरत नहीं, साडे कोल कुरान और सुन्नत कुरान और हदीस का जखीरा मौजूद है। साडे कोल सूरज है, सानू मोमबत्तियां दी लोड़, साडे कोल हक दा सिराज मुनीर है, साडे कोल सच्चा पीर है, साडे कोल शीमा दा वीर है, आमना दा दिल गीर है, और जो सारी कायनात विच्चों साहिबे तनवीर है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते सानू सज्जे खब्बे वेखण दी, और मैं ते क्या करना, तू जिधर भी जाने जा सजना सानू कमली वाले दा चा सजना, जो सोना मिल जाए क्या मतलब इनी गल सोना आख दे कि तू मेरा है, सब कुछ मिल गया ना, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया, डोर उलझी हुई थी सिरा मिल गया। अल्लाह अकबर। कोई छाती मारन की फिर कोई गुंजाइश है वे, फिर अल्लाह सानू बचा के रखे ना झातियां तो। ये झाती जी बड़ी भैड़ी शायद, कोई बीबी अपना खामल छड़ के इधर उधर मुंह मारे झातियां मारे उसका की इलाज है, तो उस बंदे का की इलाज है जिहड़ा पीरां ने पीर नूं छड़ के हक दे सिराजे मुनीर नूं छड़ के इधर झाती मारे उधर झाती मारे। और तू जिधर भी जाने जा सजना सानू कमली वाले दा, और सानू कमली वाले दा चा सजना, असा किसे पिछे हुण जाना नहीं, नवा मुर्शद होर बनाना ऐसा किसे पिछे उन जाना नहीं, नवा मुर्शद होर बनाना नहीं, और साडे नबी जिया कोई सियाना नहीं, जिन्हें हक दसिया है हकदार सजना, और साडे पीर जिया कोई पीर नहीं, साडे पीर जिया कोई साडे पीर जिहा कोई पीर नहीं, कोई इहो जिहा बशीर नज़ीर नहीं, और साडा नाल किसे हुण सीर नहीं, और सानू मिलिया हबीबे खुदा सजना। अल्लाह सानू इहदे ते अज़ीमत
और इस्तेकामत अता करे और सीरत मुहम्मदी सीरत खलीली नु अल्लाह अपनान की तौफीक अता करे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुद्रो ईद जुबान हाजरी बहुत कम होगी क्योंकि बच्चे नाम कहने जाने उन्होंने प्यो ने सहरे जाने ठीक है और बीबी ने अपने पेके जाने रिश्तेदारियां भी निभानिया पेकिन अलहम्दुलिल्लाह हाजरी माशाअल्लाह तसल्ली बख्शे सहरियां के पेकियां नालों वध के कुरान की मुहब्बत का सबूत है कि असा जुमा नहीं छेड़ना और कई गए अपड़ के आते और गला भी लिया पर मिल लिया हूँ मैं चले जुमे और कई ऐसे अवाम भी मुखलसीन हैं जो ये कहते हैं कि मैं शादियां छड़ देना अपने अजीजा दिया जुमे पीछे दिल पाने के जुमा ना रखे अल्लाह अकबर। बस अल्लाह जज्बे को देखता है गोश्त खा रहे हैं ना जी सजे खबे भी पता लिया जे किसी गली महल आंढ गुआंढ तुसा भी गोश्त खाधा कभी चलो मेनू नहीं पूछते तो ना पूछो ये मुहब्बत दातं ने किसी एक ने भी नहीं पूछे भी शायद थोड़े को गोश्त की लड़ हो तो मैनू की लड़ है थानू आखन की मेरा रब जानता मेरे हालात इसार का जज्बा पैदा करो और कुर्बानी के फलसफे समझने की कोशिश करो। अल्लाह सोने जानवर नहीं वेखता और दिलों में दिल कि सोना है दिल में जज्बा कैसा है एक शेर कुर्बानी दे रहा है गरीब आदमी हसरत दियां निगाहां नाल वेखता है उसके मुंह लफज निकल गए या अल्लाह जे मेरी भी तौफीक दे दियो मैं भी तेरे नाम सोनी कुर्बानी देता शेख दे कन्नी गल पै गई उन्हें सुन ली उन्हें मजाक उड़ाया गुरबत का मजाक चादर खिंच के कहता तू है कुर्बानी दे दे वो कहते जो मेरा रब मेरी चादर लैके खुश होता तो हो चाहिए मैं ये भी देने तैयार इन्हें जनाब चादर एक छड़ी ते टंगया और एक किनारे तो अग लगा के उस हवा के अंदर उछालता है और चादर जल रही है और सेठ खुश हो रहा है और गरीब इस तो खुश हो रहा है कि मेरे रब में इंतराजी हो जाएगा। रात सुत्ता सेठ और अल्लाह ने ख्वाब में क्या उस गरीब की चादर कबूल है तेरा ऊंट कबूल नहीं क्योंकि तेरी कुर्बानी के पीछे इखलास नहीं नहीं जनाल अल्लाह अनहुमा वला दिमागहा वला कि जनाल उत्तकवा मिनकुम ये तुम्हारे गोश्त अल्लाह का कुर्बानी का गोश्त भी तुम खा रहे हो। मैं ये सुबह घर कर रहा सा अपने बकरे दी कि इन्हें जान दिती है कि पीछे कि असी अजरे का असर लैना इहदा वजूद असा खा जाए इहदे चमड़े भी साढ़े कम आने ने इहदे खोल और पाए भी साढ़े कम आने ने और क्यामत आए दिन इहदियां अंतड़ियां इहदी ओजड़ी इहदा खून इसका पेशाब इसका गोबर भी साढ़े नेकियां आले पल्ले विच रख के तोलिया जाए इहदे सिंग भी तोले जाने ने इह बेचारा साढ़े पिछे जान दे गया कभी सोचा जे छुरी बकरा जुबाले अल्लाह बोलिया कि मैं गला कटवा लेना मेरा वजूद खा जा हर शय मेरी तेरे ते कुर्बान है पर मैं चाहना तेरा रब तेरे ते राजी हो जाए। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते खेतियां सर सब्ज हैं तेरी गिज़ा के वास्ते ये चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते
सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह साड़ियां कुर्बानियां कबूल फरमा, अल्लाह साड़ियां टूटियां भज्जियां ये नेकियां अपनी बारगाह विच शर्फ कबूलियत नाल नवाजे। Allah